कैसा हो आप अगर किसी सफर पर निकले और वहां पहुंच ही ना पाए जहां आपको जाना है? कैसा हो अगर आप किसी ट्रेन में चढ़ जाए और आपको पता चले कि ये ट्रेन नहीं बल्कि एक टाइम ट्रैवल मशीन है? सोचो कि आप खुद को किसी कोहरे में गुम होता देख रहे हो, ऐसा कोहरा जो आपको कभी वापस ही ना आने दे। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 1911 में। जेनिटी नाम की एक रेल कंपनी ने अपने ट्रेन के नए मॉडल के लिए फ्री राइड की घोषणा की। 100 यात्री जो इस रेल कंपनी के रेगुलर कस्टमर थे, उन्होंने ये ऑफर साइन किया 14 जुलाई 1911। 100 यात्री और अपने 6 कर्मचारियों के साथ ये ट्रेन अपने सफर पर निकल पड़ी। इस ट्रेन में यात्रियों के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया था। ट्रेन अपने ही अंदाज में पटरियों पर दौड़ रही थी और यात्री बाहर के नजारे का मजा उठा रहे थे। सफर के दौरान ट्रेन को लोम्बार्डी माउंटेन के एक टनल से गुजरना था। ट्रेन टनल में तो घुसी मगर उस टनल से बाहर ही नहीं निकल पाई। ट्रेन के गायब हो जाने के बाद ट्रेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मगर शोधकर्ताओं को 2 यात्री मिले जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो किसी गहरे सदमे में थे। काफी फिजिकल और मेंटल ट्रीटमेंट के बाद दोनों यात्री नॉर्मल हो गए, मगर उस घटना के बारे में बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं था। आखिरकार एक यात्री उस घटना के बारे में बात करने के लिए राजी हो गया। उसने बताया कि ट्रेन टनल के अंदर घुसते ही ट्रेन में एक सफेद रंग की धुन छाने लगी थी। पूरी ट्रेन सफेद रंग के धुएं से भर रही थी। हर कोई नर्वस हो रहा था और एक हल्की सी गुनगुनाहट कानों में भर रही थी। और तभी उस ट्रेन की रफ्तार एकदम से कम हो गई। मान लो कि वो धुआं ट्रेन को निगल रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी और मेरे साथ और एक यात्री ने भी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उस घटना के बाद टनल में गायब हुई उस ट्रेन को कभी किसी ने नहीं देखा। वर्ल्ड वॉर 2 में ये टनल हवाई हमले से गिरा दी गई और उसके साथ ही एक अनसुलझा रहस्य उस टनल में दफन हो गया। मेक्सिको के एक अस्पताल में काम करने वाले एक मनोवैज्ञानिक के रिकॉर्ड के तहत 1840 के दशक में 104 इटालियंस को हिस्टेरिकल राज्य के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि जेनिटी ट्रेन के यात्री थे और वो रोम से सफर कर रहे थे। उन सभी यात्रियों ने कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने थे जो 1840 के लिबास पहनने के तरीके से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। उनमें से एक पैसेंजर के पास एक सिगरेट बॉक्स था जिसपे उस बॉक्स के बनने का साल लिखा गया था, जो था 1907, मतलब भविष्य की तारीख। उसके बाद उन मरीजों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि वो मैच बॉक्स अभी भी एक मैक्सिकन म्यूजियम में मौजूद है। उसके बाद 1955 में यूक्रेन के एक छोटे से गांव जावलीची में पियोटर उस्तिमेनको नाम के एक सिग्नल मैन ने एक अनिर्धारित ट्रेन को आती हुए दिखा जिसमें 3 डब्बे लगे हुए थे और वो ट्रेन बिना पटरियों की गैस्पोर्ट माउंटेन के तरफ बढ़ रही थी। उसे लगा ये कोई सपना तो नहीं। उसने अपनी आंखें मसली मगर जो देखा उससे वो सुन्न रह गया। बंद पर्दे, खुले दरवाजे और बिना ड्राइवर की कैबिन। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस गैस्पोर्ट माउंटेन की तरफ ये ट्रेन बढ़ रही थी उस तरफ एक कब्रस्तान था जहाँ पे 2000 इटालियन सोल्जर्स को दफनाया गया था जिनकी क्राइमियन वॉर में मौत हो चुकी थी। बाद में उसी कब्रस्तान से गुजरता हुआ एक रेलवे ट्रैक बनाया गया जो 1970 के दशक में तोड़ दिया गया। कहीं एक घोस्ट ट्रेन उस घोस्ट ट्रैक से अपने इटालियन भाइयों से मिलने तो नहीं जा रही थी, इसका पता तो कभी नहीं लग पाया। इस दुनिया में टाइम ट्रैवल से जुड़े हुए कई किस्से हैं। कहीं ये ट्रेन उस टनल से गुजरती हुई किसी दूसरे समय में तो नहीं चली गई। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में विश्वास करने वाले कई शोधकर्ता जेनिटी ट्रेन के अस्तित्व के बारे में आज भी खोज कर रहे हैं। मगर ये बात तो सच है कि टनल में गायब हुई वो ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर अभी तक नहीं पहुंच पाई। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।